शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट, शादी के 5 साल बाद पति से तलाक, ऐसी है कोनकोना की पर्सनल लाइफ। पेज 3 जैसी फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली कोनकोना सेन शर्मा आज अपना 43rd जन्मदिन मना रही हैं। अपनी एक्टिंग से उन्होंने इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई है। उनके हर एक किरदार को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। अपने हर एक किरदार में अपना 100% देकर उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया है। फिल्मों में अपने किरदारों के अलावा कोनकोना शादी से पहले माँ बनने को लेकर के लिए भी काफी मशहूर है। कोनकोना ने रणवीर शौरी से शादी की थी। फिल्म आजा नचले की शूटिंग के दौरान कोनकोना की मुलाकात एक्टर रणवीर शौरी से हुई थी। यहीं पर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों के अफेयर की चर्चे भी खूब रहे। वहीं इनके अफेयर की खबरों को और हवा तब मिली जब शादी से पहले ही कोनकोना प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद रणवीर शौरी और उन्होंने साल 2010 में शादी रचा ली थी। शादी के 6 महीने बाद ही कोनकोना ने अपने बेटे हारून सेन शौरी को जन्म दे दिया था, जिसके बाद से साफ हो गया था कि कोनकोना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। हालांकि रणवीर के साथ उनके रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और इसके बाद 2015 में दोनों अलग रहने लगे। दोनों ने सोशल मीडिया पर भी अपने सेपरेशन की खबर का ऐलान किया था। सेपरेशन के 5 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। दोनों को कानूनी रूप से तलाकशुदा करार दे दिया गया, यानी अब दोनों ऑफिशियली अलग हो गए हैं। वहीं तलाक के बाद बेटे हारून की कस्टडी कोनकोना को दे दी गई है। हालांकि कोनकोना और रणवीर के बीच आज गहरी दोस्ती है। दोनों बेटे के खातिर आज भी मिलते जुलते हैं। भले ही कोनकोना की पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रही है, लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी रही है। 3 दिसंबर 1969 को कोलकाता में जन्मी कोनकोना सेन बचपन से ही अभिनय की दुनिया में कमाल दिखा रही है। वो साइंस राइटर, जर्नलिस्ट मुकुल शर्मा और अभिनेत्री अपर्णा सेन की बेटी है। कोनकोना की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता इंटरनेशनल स्कूल और सेंट स्टीफन्स कॉलेज से हुई है। साल 1983 में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। एक्ट्रेस जब बड़ी हुई तो बतौर लीड एक्ट्रेस उनकी पहली बंगाली फिल्म एक जे आछे कन्या थी। इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव किरदार प्ले किया था। ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म में कोनकोना के काम को सराहा गया। इसके बाद उन्होंने पेज 3 जैसे बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में भी फैंस ने उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया था। इसके बाद कोनकोना ने ट्रैफिक सिग्नल, लाइफ इन अ मेट्रो, अतिथि तुम कब जाओगे, वेकअप सेट, तलवार, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का जैसी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय का परिचय दिया है। अपनी एक्टिंग के बदौलत कोनकोना आज उस मुकाम तक पहुंची कि दमदार किरदार निभाने के लिए उनका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। अभिनेत्री ने अपने पूरे फिल्मी करियर में केवल उन्हीं किरदारों के लिए हाँ की थी जिनके साथ वो पूरी तरह से न्याय कर सकती थी। आज उसी का नतीजा है कि कोनकोना की गिनती दमदार अभिनय करने वाली अभिनेत्रियों में की जाती है। यही नहीं, कोनकोना अपनी फिल्मी करियर में 2 नेशनल और 4 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुकी है। वहीं अपनी एक्टिंग के जुनून से खुद को बॉलीवुड में स्थापित करने वाली कोनकोना का प्रोफेशनल करियर काफी अच्छा रहा। वर्क फ्रंट की बात करें तो कोनकोना अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ फिल्म कुत्ते में नजर आएंगी। इस फिल्म में राधिका मदान, नसीरुद्दीन शाह, कुमुद मिश्रा, शार्दुल भारद्वाज और तब्बू भी दिखाई देंगे।